हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स देखिए आज मैं ये एक छोटा सा झबले का पैटर्न लेके आई आए हूँ आप झबला बोलिए बेबी फ्रॉक बोलिए दोनों ही एक सूट करेगा आप अंदर हाईनेक पहना के उसके ऊपर इसको पहना सकती हैं या आप चाहे तो कोई भी लाइट कलर का अंदर स्वेटर भी बना सकती हैं तो ये मैंने बनाया है एक साल के बच्चे के नाप के हिसाब से आप अपने बच्चे के हिसाब से इसको छोटा और बड़ा भी कर सकती हैं मैंने इसको बनाया है बेबी वोल से फोर ऊन जिसको बोलते हैं और दस नंबर की सिलाई से एक साल के बच्चे के नाप के हिसाब से मेरा इसमें 150 ग्राम के लगभग ऊन लगा है मैंने बनाया है लच्छी वाले ऊन से और अगर आप लच्छी वाला ऊन लेती हैं तो आप दो लच्छी लेंगी तो ये नाप आपका बन के आ जाएगा तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप इसको अपने मनपसंद किसी भी कलर में बना सकती हैं और अपने मनपसंद किसी भी कलर का बटन लगा सकती हैं मेरे पास ऐसे बटन थे तो मैंने इस तरह से लगा दिए तो आप कोई भी बटन ले सकती हैं अपने ऊन के हिसाब से और लगा सकती है नौ बटन लगे हैं दस नंबर की सलाई से मैंने इसको बनाया है और लगभग डेढ़ सौ ग्राम ऊन इसमें लगा है यानी एक सौ पचास ग्राम तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना तो ये देखिए एक साइड का पार्ट मैंने बना लिया है सेम इसी तरह से दूसरे साइड का भी पार्ट बनेगा बस उसमें अंतर ये रहेगा कि उसमें बटन होल बनेगा और इस वाले पार्ट पे बटन लगेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने ली है दस नंबर की सिलाई देखिए और फोर प्लाई ऊन है हमारा ये बेबी ऊल लच्छी वाला ऊन है मेरा तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम फिफ्टी फोर फंदे डालेंगे तो आप जैसे भी डालती हूँ फंदा सिंगल धागे से हम डालेंगे तो टोटल फिफ्टी फोर फंदे हम इसमें डाल देंगे फंदे टाइट नहीं डालने हैं लूज ही रखिएगा क्योंकि नीचे ये घेर का है पोर्शन नीचे से स्टार्ट हुआ है तो इस तरह से टोटल फिफ्टी फोर फंदे पहले मैं डाल लेती हूं ये देखिए फंदे मैंने डाल लिए हैं राइट साइड है ये हमारा और यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा बनना तो सबसे पहले ये बटन पट्टी हम बनाएंगे ये बॉडी के लेफ्ट साइड का पार्ट है अब हम बॉडी के राइट साइड का पार्ट बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम इस तरह से एक दो तीन चार पाँच और ये सात ये सात फंदे हमने रखे हैं पटन पट्टी के अब यहाँ से हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा तो इसको पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करेंगे उल्टा सीधा बनाते हुए पूरी सलाई इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे आप ये रॉन्ग साइड है सेकेंड रो तो यहां से ये फंदा उतारेंगे और दूसरा फंदा हमारा देखिए उल्टा है तो बॉर्डर बस सिर्फ दो सलाई रहेगी नीचे के लिए नहीं तो हमारा ये जो फ्रील है ये पलटने लगेगा तो इसलिए सिर्फ दो सिलाई का बॉर्डर मैंने बनाया है दो सिलाई का ही बॉर्डर हम बनाएंगे इसके ऊपर ये प्लेन रहेगा तो इस तरह से देखिए कंप्लीट कर लेते हैं सात फंदे की बटन पट्टी है और बाकी हमारा ये दो सिलाई बॉर्डर अब देखिए ये दो चार छः एक सात फंदे हमारे सीधे बनेंगे और एक ये जो हमने राइट साइड से उल्टा बनाया था ये टोटल आठ फंदे हमारे उल्टे बनेंगे सॉरी सीधे बनेंगे दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे बॉर्डर का पार्ट इस तरह से और अब यहां से ये फंदा ऐसे उतार के पलट देंगे और देखिए दो चार पाँच छ सात ये हमारे हो गए बटन पट्टी के फंदे एक फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे यानी टोटल आठ फंदे हम लेके चलेंगे और अब बाकी के फंदे हम सारे सीधे बनाएंगे तो ये वाली लाइनिंग जब हमारी पांच हो जाएगी तो हम पहला बटन होल बनाएंगे तो अभी हमारी एक लाइनिंग हुई है और एक आप नीचे का ये काउंट करिए तो टोटल दो लाइनिंग हमारी हो चुकी है यानी टोटल चार लाइन अभी हम बनाएंगे एक बन चुका है तीन और बनाएंगे इसके बाद हम बटन होल बनाएंगे तो इस तरह से सीधा उल्टा दोनों तरफ से बनाते हुए इसकी चार लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए एक दो तीन चार लाइनिंग कंप्लीट हो गई है अब हम बटन होल बनाएंगे तो यहाँ पे ये एक दो और तीन फंदे हमने सीधे बनाए दो फंदा एक साथ पीछे की तरफ बनाएंगे यान ओवर करेंगे और दो फंदे सीधे ये एक फंदा उल्टा राइट साइड से जाएगा ये आठ फंदे का हमारा बटन पट्टी रहेगा जिसमें सात फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे दोनों तरफ से और ये राइट साइड से उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से सीधा यानी आठ फंदे सीधे हो जाएंगे तो यहाँ पे एक बटन होल मैंने बना लिया है आगे हम दस दस लाइनिंग के बाद बटन होल बनाएंगे टोटल पांच बटन होल बनेंगे यानी पांच बटन लगेंगे तो आप अपने पैटर्न के हिसाब से यानी आप अपने स्वेटर के लंबाई के हिसाब से देख लीजिएगा अगर यही नाप बनाना है तो दस दस लाइनिंग के बाद हम बनाएंगे अगर आपको और छोटा बड़ा करना है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे ये देखिए ये नीचे वाला है इसके बाद एक दो तीन चार चार के बाद मैंने बटन होल बना लिया एक यहाँ पे इसके बाद मैं दस दस लाइनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब बटन होल बनाऊंगी फिलहाल नीचे का ये जो घेर है इस घेर को हम बनाएंगे ये तेरह लाइनिंग जब हमारी हो जाएगी यानी चार हो गया है टोटल तेरह लाइनिंग जब हो जाएगी तो हम ये ऊपर का पोर्शन बनाएंगे तो पहले मैं तेरह लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ तेरह लाइन तक ये राइट साइड से सीधा रॉन्ग साइड से उल्टा ये बनेगा और ये दोनों तरफ से सीधा सीधा बनेगा रॉन्ग साइड से देखें ये, देखे, तो ये जो हमने उल्टा बनाया ये एक तरह से लाइनिंग हमारी आएगी तो यहाँ से हमारा बटन होल अलग से और ये बीच का पोर्शन अलग से लगेगा यहाँ की वजह से हमारा ये पोर्शन बहुत क्लियर दिख रहा है तो बस इतना ध्यान रखिएगा तेरह लाइनिंग ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये घेर कैसे कम करना है और ऊपर का कितना फंदा रखना है तो इतना पहले कंप्लीट कर लेती हूं मैं ये देखिए यहाँ पे इसकी तेरह लाइनिंग कंप्लीट हो गई है यानी टोटल ट्वेंटी सिक्स रो हमने बना लिया है यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अब यहाँ फ्रील वाले फंदे हम घटाएंगे कम करेंगे जिससे कि हमारी ये फ्रील अच्छे से, से सेट हो जाए तो इसके लिए सात फंदे जो हैं इसको हम सीधे बनाएंगे आठवां फंदा उल्टा बनाएंगे और अब हम फ्रील को घटाना स्टार्ट करेंगे तो एक सीधा दो का एक एक सीधा दो का एक, एक सीधा दो का एक, एक एक सीधा दो का एक पूरी सिलाई इसी तरीके से तरीके से करेंगे एक सीधा और दो का एक कर देंगे तो यहां पे हमारी ये फ्रील बन जाएगी दो का एक एक सीधा दो का एक, एक सीधा दो का एक, एक एक सीधा दो का एक बैक लूप से दो का एक करते जाएंगे इस तरह से लेंगे पीछे करेंगे और दो फंदा एक साथ हम बना लेंगे एक सीधा दो का एक एक सीधा दो का एक इस तरह से दो का एक एक सीधा दो का एक और एक सीधा तो अब देखिए टोटल जो फंदे हैं दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौतीस छत्तीस अड़तीस और एक उनतालीस यानी टोटल थर्टी नाइन फंदे हमारी सलाई पे हैं। अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे तो ये वाला जो फंदा है इसको मैं यहाँ पे लास्ट में उल्टा बनाऊंगी अब इसको यहां से फंदा उतारेंगे और ऊन पीछे कर लेंगे और सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे थर्टी नाइन फंदे जो है यानी उनतालीस फंदे इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे इस तरीके से सभी फंदे अब दोनों तरफ से हमको सीधा सीधा ही बनाना है जैसे यहां पे ये ऊपर बना हुआ है देखिए ये हो गया और अब ये आठ फंदे एक ये जो हम राइट साइड से उल्टा बनाते हैं और बाकी के सात फंदे इन सबों को सीधा ही बनाएंगे रॉन्ग साइड से लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहां से देखिए इस तरह से अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे और ये वाली जो लाइनिंग हमारी आएगी यानी ये लाइनिंग जो आएगी टोटल थर्टी थ्री लाइन हो जाएगी फिर हम गला घटाना स्टार्ट करेंगे या बाजू पहले बाजू घटाएंगे फिर गला घटाएंगे तो ये थर्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं पहले फिर हम पहले बाजू घटाएंगे तो ये देखिए यहां से पहला फंदा उतार के उन पीछे करेंगे सात फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे और इसके बाद बाकी सारे फंदे सीधे तो अब ये वाली लाइनिंग टोटल थर्टी थ्री कर लेते हैं इसके बाद हम बाजू और गले की घटाई करेंगे तो अब इसमें कुछ नहीं करना है सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाना है राइट साइड से बस एक फंदा हमारा ये उल्टा रहेगा तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं पहले ये देखिए इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे इसके जस्ट पहले मैंने लास्ट बटन होल बनाया है और ये रॉन्ग रोंग साइड से एक सिलाई सीधी बना के कम्प्लीट कर ली है तो यहाँ तक ये जो टोटल लाइनिंग है मेरी थर्टी टू है यहाँ पे देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस और ये बत्तीस और ये बटन होल मैंने दस दस के बाद बनाया है टोटल दस दस के बाद मैंने ये बटन होल बनाया है तो ये लास्ट पांचवा बटन होल यहां पे बन के कम्प्लीट हो चुका है अब हम पहले बाजू की घटाई करेंगे यहां से देखिए पहले ये बाजू की घटाई हुई है गले की घटाई बाद में हुई है तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसको जो सात फंदे हैं इसको सीधा बनाएंगे ये देखिए आठवां फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट के छह फंदे रहने तक हम इसको सीधा बनाएंगे थर्टी टू रो कंप्लीट कर लिया है मैंने थर्टी टू थर्टी थ्री आप बना सकती हैं। ये राइट साइड है तो राइट साइड से ही सबसे पहले हम बाजू की घटाई करेंगे ये बॉडी के राइट साइड का पार्ट है देखिए इस तरह से छह फंदा रहने तक हम इसको ये देखिए छह फंदे बचे अब यहाँ पे हम दो का एक करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे और तीन फंदे एक दो सीधे और तीसरा फंदा जो लास्ट फंदा है इसको हम ऐसे उल्टा बना लेंगे रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे ये पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे और सारे ही फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे ये सिलाई पूरी सीधी सीधी दोनों तरफ से लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे और राइट साइड से उसको पलट के पीछे कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से अब इधर से पलट के फिर से इसको लेते हुए सात फंदे सीधे तो दो तीन चार पांच छ सात आठवां फंदा उल्टा फिर छह फंदे रहने तक इसको हम सीधा बनाएंगे और सेकेंड टाइम फिर से हम दो का एक करेंगे पांच फंदे हम बाजू के लिए घटाई करेंगे कि लगभग एक साल तक के बच्चे के नाप का ये झबला है तो आप मान के चलिए कि पांच पांच फंदे की घटाई हम करेंगे तो एक तरफ का पार्ट मैंने बना लिया है पांच फंदे मैंने बाजू की घटाई कर ली है और अब ये हमारे दूसरे साइड का पार्ट है तो छह फंदा रहने तक इसको भी हम बना लेंगे देखिए दो चार छः अब यहाँ पे दो का एक करेंगे पीछे के लूप से एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर तीन फंदों में से दो फंदा हम सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा तो ये जो तीन फंदे हैं यहाँ पे ये तीन तीन फंदे हमारे एक तरह से बॉर्डर की तरह हैं रॉन्ग साइड से फिर से पूरे फंदे हम सीधे बनाएंगे तो पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे और सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे देखिए इस तरीके से अब थर्ड टाइम हम फिर से करेंगे सेम सात फंदे सीधे एक फंदा उल्टा इसके बाद के फंदे छह फंदे रहने तक के सीधे बनाएंगे बीच के सारे फंदे सीधे बनेंगे थर्ड टाइम हम इसमें फिर से दो का एक करेंगे छः फंदा रहने तक बनाएंगे और थर्ड टाइम हम इसमें दो फंदे को एक साथ लेके बनाएंगे तो तीसरा फंदा भी घट जाएगा ये देखिए थर्ड टाइम दो का एक ऊन अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा बनाएंगे और तीन फंदों में से दो फंदा सीधा लास्ट वाला फंदा उल्टा रोंग साइड से फिर से पूरे फंदे सीधे बनाएंगे तीन बार फंदे हमने घटा लिए हैं सारे फंदे सीधे यहां पे भी देखिए अब इस तरह से करने से एक फंदा ये यहां पे सीधा दिख रहा है जैसे हमारा इस तरफ से दिख रहा है बटन पट्टी के पास में यहां पे देखिए सारे फंदे सीधे लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाना है अब यहाँ पे हम ये बटन पट्टी वाले फंदे घटा देंगे ये यहाँ पे हम चौथा फंदा घटाएंगे तीन बार फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए हैं बाजू की घटाई में तीन बार फंदे घट चुके हैं देखिए एक दो तीन अब यहाँ चौथा फंदा घटाना है तो यहाँ पे अब ये बटन पट्टी का फंदा हमारा बंद हो जाएगा जैसे यहाँ पे है देखिए ये बंद हो गया है इसी तरीके से देखिए एक दो तीन चार पांच छ और ये सात ये हो गए अब यहां से काउंट करेंगे देखिए एक दो तीन फंदे काउंट करने के बाद एक फंदा उल्टा करेंगे और बाकी लास्ट छह फंदे रहने तक इसको भी हम सेम बना लेंगे यानी सीधा छह फंदा जब बच जाएगा तो एक बार फिर से हम चौथी बार दो का एक करेंगे देखिए छह फंदे बचे अब ये चौथी बार दो का एक करेंगे टोटल पांच बार हम यहाँ पे फंदा बंद करेंगे यानी दो का एक करेंगे ये देखिए इस तरह से हमारे बाजू का शेप आता जाएगा रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे बना लेंगे चार बार हमने बाजू के फंदे घटा लिए हैं बटन पट्टी के फंदे भी हमने बंद कर दिए हैं और अब हमारा ऊपर गले का फंदा भी घटेगा तो राइट साइड से घटाएंगे हम ये देखिए सारे फंदे सीधे लास्ट वाला फंदा उल्टा अब यहाँ पे ये फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे एक दो और तीन ये तीन फंदे हमारे सीधे रहेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे और अब पांचवी बार जब हमको बाजू के फंदे को घटाना है तो यहाँ से हम गले के फंदे को घटाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दो का एक करेंगे और लास्ट छह फंदे रहने तक एक बार फिर से बनाएंगे और पांचवी बार हम दो का एक करेंगे इसके बाद हम बाजू के फंदे को नहीं घटाएंगे देखिए है अब ये छह फंदे बचे हैं तो यहां पे एक बार लास्ट बार ये पांचवी बार हमारा हो गया एक दो तो, तीन चार और ये पांच बार हमने घटा लिए एक फंदा उल्टा और तीन फंदे सीधे ये हम हर बार बनाएंगे एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे लेकिन अब हम बाजू के फंदे को यहाँ पे नहीं घटाएंगे पांच बार घट गया ये कंप्लीट हो गया अब हम ये गले का शेप देंगे यहां से जब तक कि हमारे सत्रह फंदे नहीं बचते हैं शोल्डर के लिए तो यहां से देखिए अब ये पूरा सीधा फिर से बना लेंगे रॉक साइड से हर बार सीधा ही सीधा बनाना है राइट साइड से बस ये एक फंदा उल्टा बनेगा गले के फंदे को दो का एक करके हम घटाएंगे बाजू के फंदे को अब हम नहीं घटाएंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया यहाँ पे एक फंदा उतार के उन पीछे करेंगे इस फंदे को लेते हुए तीन फंदे सीधे हमारे बॉर्डर के एक फंदा उल्टा फिर यहाँ पे हम दो का एक करेंगे और लास्ट तक इसको हम बना लेंगे अब बाजू के फंदे को नहीं घटाना है तो लास्ट के बस चार फंदे रहने तक हम इसको सीधा बनाएंगे ये देखिए अब यहाँ पे एक उल्टा और तीन सीधा तो दो सीधा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को ऐसे उल्टा बनाएंगे तो इस तरह से अब हम सिर्फ गले के पास यहाँ पे फंदा घटाएंगे सत्रह फंदे हमारे जब तक नहीं घट जाते यहां तक देखिए घटा है इसके बाद हमने इसको सीधा बनाना है तो ये हम बनाएंगे टोटल देखिए यहां से हमने घटाना स्टार्ट किया तो देखिए ये दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस और एक तेईस एक बार और करेंगे इसमें टोटल चौबीस रो हम कंप्लीट करेंगे एक बार फिर से मैं एक काउंट कर लेती हूं दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस और ये चौबीस एक नीचे का मैंने काउंट नहीं किया था तो टोटल ये चौबीस रो हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी जहां से हमने फंदे घटाना स्टार्ट किया है तो ये इतना कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा दोनों साइड के फ्रंट का पार्ट तैयार हो जाएगा फिर हम बैक का पार्ट बनाएंगे स्लीव अब नहीं घटेगा गले के पास के फंदे हम घटाते जाएंगे जब तक कि हमारे टोटल सत्रह फंदे नहीं बचते हैं जब सत्रह फंदे बचेंगे तो दोनों तरफ से ये एक एक उल्टा हम बनाएंगे बाकी दोनों तरफ से सीधा सीधा बनेगा और चौबीस लाइन ये जो आएगी हमारी उल्टी उल्टी इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये फ्रंट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे ये देखिए ये दोनों पार्ट फ्रंट पार्ट तैयार है अब हम बैक पार्ट बनाएंगे तो बैक पार्ट में भी ये जो फ्रील का पोर्शन है ये सेम बनेगा यहाँ पे मैंने 108 फंदे लेके सेम 26 रो की ये फ्रील की लाइनिंग कंप्लीट कर ली है दो सिलाई बॉर्डर जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बनाया है और इसके बाद 24 सिलाई सीधा उल्टा तो ये तैयार है अब इसको भी हम घटाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में घटाया है तो इसको घटाने के लिए भी सेम पैटर्न रहेगा पहला फंदा उतारेंगे उन पीछे करेंगे और दो का एक करेंगे एक सीधा बनाएंगे दो का एक करेंगे एक सीधा दो का एक पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे एक सीधा बनाएंगे दो का एक करेंगे तो इस तरह करने से टोटल सेवेंटी टू फंदे हमारी सिलाई पे आ जाएंगे तो इससे हम फ्रंट के पार्ट की ही तरह बैक का पार्ट थर्टी टू रो कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं पहले एक सीधा दो का एक, एक सीधा दो का एक लास्ट में एक सीधा दो का एक इसको हम फ्रंट की तरफ करके करेंगे इस तरह से और अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए इसको भी थर्टी टू रो कंप्लीट करेंगे इस तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाना है कुछ नहीं करना है इसमें टोटल थर्टी टू रो जब कंप्लीट हो जाएगा तो बाजू की घटाई दोनों तरफ की हम करेंगे तो पहले इतनी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल थर्टी टू रो कंप्लीट कर लेते हैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए ये देखिए यहाँ पे इसका भी थर्टी टू रो कंप्लीट हो चुका है तो अब हम दोनों तरफ के बाजू की घटाई करेंगे तो यहाँ इतनी लंबाई हमारी हो गई है यहाँ से यहाँ तक तो अब बाजू की घटाई के लिए पहला पंदा उतारेंगे ऊन पीछे करेंगे और एक दो तीन ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे ऊन अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा बनाएंगे ऊन पीछे ये दो का एक करेंगे पूरी सलाई बना लेंगे लास्ट के छह फंदा रहने तक सीधा फ्रंट में जैसे हमने पांच पांच फंदे बाजू की घटाई की है इसी तरीके से बैक में भी पांच पांच फंदे की घटाई करेंगे दोनों तरफ से इसके बाद फिर हम सीधा बनाएंगे तो पहले ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूं मैं देखिए लास्ट में छह फंदा रहने तक हम बनाएंगे यहाँ पे देखिए दो दो चार दो छः तो अब यहां पे भी हम दो का एक करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर तीन फंदे सीधे तो जिसमें दो फंदा सीधा बनेगा और एक फंदा उल्टा रॉन्ग साइड से सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे तो इस तरीके से देखिए ये कंप्लीट हो गया राइट साइड रॉन्ग साइड से पूरा सीधा सीधा बनाएंगे एक बार हमने घटा लिया है दोनों तरफ से पांच पांच फंदे हमारे घटेंगे पांच फंदा यहाँ से पांच फंदा यहाँ से इसके बाद हम सीधा बनाएंगे तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा बाकी सीधा और यहाँ पे एक उल्टा तीन सीधा इस तरीके से जैसे यहाँ बना है स्लीव में भी देखिए ये दोनों तरफ से इस तरह से ये आया है ऐसे ही हमारा आएगा और इसको हम कंप्लीट करेंगे ट्वेंटी थ्री रो फ्रंट में हमने ट्वेंटी फोर रो किया है बैक में हम ट्वेंटी थ्री रो कंप्लीट करेंगे इसके बाद हम दोनों शोल्डर जोड़ेंगे इसकी सिलाई करेंगे और बीच की डिजाइन बनाएंगे तो पहले इसकी लंबाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ इसको कैसे जोड़ना है और बीच की डिजाइन कैसे बनानी है ये देखिए ये पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है जहाँ से हमने घटाना शुरू किया था इसके ऊपर ट्वेंटी थ्री रो कंप्लीट हो चुका है ये जो ये लाइनिंग आती है हमारी वो वाली अब हम दोनों पल्लों को जोड़ेंगे तो देखिए ये है राइट साइड अब इस पर ये वाला पल्ला हम इस तरह से रखेंगे ऐसे और ये वाला ऐसे और इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे मैंने ये दोनों तरफ पॉइंटेड सिलाई लगाई है तो मुझे इसमें कुछ करना नहीं है यहां से अब मैं इसको घटाना स्टार्ट करूंगी सत्रह फंदे इस इसपे सत्रह फंदे इस पर से लेके हम घटाएंगे इस तरह से अगर एक संग आप घटा सकती हैं तो अच्छा है नहीं तो दोनों को आप एक सिलाई पे भी कर सकती हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पहला फंदा यहां से लेंगे और यहां से लेंगे दोनों को एक कर देंगे ये अब ये और ये यहां से लेंगे दो का एक करेंगे और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे फिर देखिए इस तरह से पहले आगे वाली सलाई से फिर पीछे वाली सलाई से दोनों फंदा लेंगे दोनों को एक कर देंगे और जब एक फंदा हो जाएगा तो इस पर से पीछे वाले फंदे को ऐसे उतार देंगे बहुत ही इजी है इस तरह से इसको हम करते जाएंगे। तो एक तरफ़ के शोल्डर को हम बंद कर लेंगे गला साथ के साथ इतना घटाने के बाद हम बंद करेंगे सत्रह फंदे दोनों तरफ से लेके घटाते जाएंगे इसके बाद हम गले का फंदा बीच में बंद करेंगे सिक्सटी टू फंदे हैं टोटल बैक में सत्रह सत्रह फंदे हमने दोनों साइड कर लिए बीच में जो फंदा आपका बच रहा है उसको हम बंद करेंगे इस तरह से इसको बंद कर लेते हैं लास्ट एक बार और इस तरह से ये हो गया अब यहाँ पे इसमें से हम धागा निकालेंगे इस फंदे के साथ ही अभी हम आगे फंदा घटाएंगे भी तो ये धागा निकाल के यहाँ पे देखिए इस तरह से टाइट करके नॉट लगा देंगे और इस धागे को हम सुई के साथ अंदर की तरफ फंसा देंगे अब देखिए यहाँ से सत्रह फंदे हम इधर छोड़ेंगे दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह एक सत्रह और अब बीच में जो फंदे बचे हैं इसको हम बंद करेंगे तो दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस और अट्ठाईस फंदे हमारे बचे हैं तो अब यहाँ से देखिए यह धागा हमारा है इसको हम बीनेंगे इस तरह से टाइट करके बीनिए और यहाँ से ऐसे अब एक एक फंदा करके टोटल अट्ठाईस फंदे हम बंद कर देंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इसी तरह से टोटल अट्ठाईस फंदे हम बंद कर देंगे यहाँ देखिए सत्ताईस फंदे मैंने घटा लिए हैं अट्ठाइसवा अभी मैंने नहीं घटाया है और अब इस साइड का भी ये शोल्डर बंद करेंगे यहाँ पे देखिए दोनों तरफ सत्रह सत्रह फंदे हैं तो यहाँ से एक फंदा लेंगे यहां से एक फंदा लेंगे दोनों को एक करेंगे इस तरह से और ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे तो ये अट्ठाईसवां फंदा भी घट गया अब यहाँ दोनों फंदा ऐसे लेते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतारते जाएंगे इस तरह से इसको भी बंद कर लेते हैं यहां पे देखिए ये लास्ट हो गया इसको इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से इसके बीच से फिर से गोला निकाल लेंगे और दोनों को टाइट से नॉट लगा देंगे और सूई की हेल्प से इसको अंदर की तरफ हम फंसा देंगे ये देखिए ये जो है उल्टा उल्टा इसमें ऐसे हम फंसा देंगे अंदर की तरफ इसी तरह से सारा धागा फसा लेंगे देखिए एक तरफ की सिलाई मैंने कर ली है बटन लगा लिए हैं एक तरफ का ये जो फ्लैप बना है ये भी मैंने बना लिया है अब हम दूसरे तरफ की सिलाई करेंगे तो आपका जो ऊन है आप उसी से सिलाई कर सकती हैं, बाद में ऐड कर सकती हैं, या आप चाहें तो बड़ा ऊन लेके उससे भी सिलाई कर सकती हैं तो मैं बिल्कुल फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा फंदा उतरा है वहाँ से स्टार्ट करूँगी इस तरह से राइट साइड से ही मैं सिलाई कर रही हूँ तो यहाँ से देखिए इस तरह से लेंगे दोनों तरफ को ऐसे फंसाते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे और ऊपर मैं इसमें और ऊन जोड़ लूँगी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई करना नॉर्मल सिलाई करनी है बिल्कुल इसको ऐसे पकड़िए और इस तरह से सिलते चले जाइए इस तरह से इसकी सिलाई कर लेते हैं जहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया है वहाँ तक देखिए यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे यहाँ पे इस तरह से आया है उसको सिल लेते हैं फिर ये फ्लैप बनाना स्टार्ट करेंगे तो सिलाई इजी है इसमें कुछ नहीं है बस दोनों तरफ के पार्ट को पकड़ के सिलते चले जाना है सिंपल सिलाई है और ये राइट साइड से ही मैं कर रही हूँ इस तरह से इस तरह से ये देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे फंदा उठाएंगे तो फंदा उठाएंगे एक दो और ये तीसरी लाइन में यहाँ से देखिए ये एक दो और ये तीसरी लाइन में हम फंदा उठाएंगे तो इसके लिए सबसे इजी है यहाँ से हम काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हमने छोड़ दिया यहाँ से हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे ये देखिए इस तरह से यहाँ से जो नीचे को आया है मोड़ वहीं से हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजी है एक लूप बनाइए इस तरह से और इसमें फंसा के पहला फंदा हम इस तरीके से बनाएंगे इसको टाइट कर देंगे इस तरह से अब हम यहाँ पे टोटल अट्ठारह फंदे उठाएंगे तो जो देखिए ये नीचे की साइड है यहां से हम उठाएंगे दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अट्ठारह अट्ठारह फंदे हमने उठा लिए देखिए गैपिंग ऐसे आएगी हमारी अब इसको हम इस तरफ से बिनना स्टार्ट करेंगे यहां से पहला फंदा उतार के उन पीछे करेंगे और ये वाली पूरी सलाई हम सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे टोटल अठारह फंदे हैं बाकी जो धागे निकले उनको हम बाद में सोई से अंदर की तरफ फंसा देंगे लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे यहाँ पे इसको हम एक बार फिर से अच्छे से नॉट कंप्लीट करेंगे और अब इस साइड से हम फंदा घटाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे दो फंदे एक साथ हम पीछे की तरफ करके दो का एक कर देंगे बीच के फंदे को सीधा बनाएंगे लास्ट के तीन फंदे रहने तक इस तरीके से देखिए तीन फंदा बचा अब इसको हम इधर से ऐसे दो का एक करेंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे और इस साइड से हम पूरी सलाई सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे एक तरफ से फंदा घटाएंगे और एक तरफ से नहीं घटाएंगे ये जो साइड हम बना रहे हैं ये हमारी राइट साइड है और जिधर से हम फंदा घटा रहे हैं वो हमारी रॉन्ग साइड है जो नीचे की तरफ दब जाएगी तो इस तरह से देखिए इधर से फंदा नहीं घटाना है लास्ट वाले फंदा को उल्टा बनाएंगे इधर से फिर पहला फंदा उतारेंगे ऊन पीछे करेंगे दो का एक करेंगे यहाँ पे दो का एक करेंगे इस तरह से बाकी फंदे सीधा बना के लास्ट के तीन फंदा रहने तक कंप्लीट करेंगे देखिए अब ये दो फंदा एक साथ सीधा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे इसी तरह से दोनों तरफ से करते हुए हम लास्ट के दो फंदे तक आ जाएंगे लास्ट में तीन फंदा बचेगा तीन का एक कर देंगे और यहां के लिए भी देखिए यहां का फंदा हम जो उठाएंगे यहां जहां से हमने घटाना स्टार्ट किया है इस लाइन से बीच में हम बारह फंदा उठाएंगे और इसी तरीके से जैसे हम नीचे बना रहे हैं उसी तरीके से ऊपर का भी ये छोटा सा फ्लैप बना देंगे तो यहाँ से दस काउंटिंग करने के बाद बारह फंदा उठाइएगा तो हमारा ये बिल्कुल सेंटर आ जाएगा यहाँ जहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया है यहाँ से आप नीचे वाला जो ये लाइनिंग आ रही है ये जो नीचे की तरफ इसको हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे बारह फंदा उठाएंगे और सेम इसी तरीके से एक साइड से बनाएंगे एक साइड से घटाते जाएंगे तो हमारा ये ट्रायंगल बन के आ जाएगा तो दोनों इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं और उसमें बटन लगा लेते हैं बटन देखिए मैंने सेंटर में लगाया है इसी तरीके से इधर भी दोनों तरफ सेंटर में बटन लगा लेंगे तो देखिए ये बन के है तैयार यहाँ का भी दोनों फ्लैप मैंने बना लिया दोनों बटन लगा लिया है टोटल नौ बटन इसमें लगे हैं मेरे पास ऐसे बटन थे मैंने इस तरह से लगाया आपके पास जो भी बटन हो आप वैसा लगा सकती हैं आप चाहें तो सेल्फ कलर का भी लगा सकती हैं या ट्रांसपेरेंट बटन भी आता है वो भी लगा सकती हैं तो देखिए इस तरह से ये दोनों तैयार हो चुका है और ये नाप के अगर मैं दिखाऊं इसकी लंबाई तो देखिए टोटल लगभग थर्टीन इंच है क्योंकि उल्टा उल्टा बना है तो खींचेगा तो ये इस तरह से थर्टीन इंच ये आ जाएगा देखिए इस तरह से और इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग इलेवन इंच तो ये एक साल के बच्चे के नाप के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है आप चाहे तो छोटा और बड़ा भी कर सकती हैं तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये फ्रॉक आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर आपको ये फ्रॉक पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग तब तक के लिए बाय